स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, हाउ टू मास्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है आज का, और इस लेक्चर में आप क्या डिस्कस करोगे, ऐसे मेथड्स बताऊंगी मैं आपको जिन मेथड्स की हेल्प से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से सॉल्व कर सकते हो, इंटरेस्ट बना सकते हो। जनरली प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स की, अगर मैं बात करूं तो जेई के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादातर प्रॉब्लम आती है किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उनको ये लगता है कि मैम हमसे ना इतनी रिएक्शंस याद नहीं होती, कितना कितना हम याद करें, इतनी सारी रिएक्शन है, इतने सारे कॉन्सेप्ट है, हम कैसे याद करें। तो स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ, वो टिप्स अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट भी बनेगा और आप उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर भी हो जाओगे। तो मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करती हूँ अपने इंटरेस्टिंग पॉइंट से। आपको जो मैं टिप्स बताऊं बस उसको फॉलो करना है, और टिप्स मैं आपको थोड़ा बोर्ड मार्कर की हेल्प से ही बताऊंगी। तो देखो क्या टिप्स आपको ध्यान रखनी है, मैं आपको बेसिकली आपको एक कोड देने वाली हूँ, उस कोड को आपको फॉलो करना है। और वो कोड क्या है स्टूडेंट देखना, वो कोड है UPR। ये आपका कोड है UPR। क्या है UPR? यू मीन्स अंडरस्टैंडिंग, यू मीन्स अंडरस्टैंडिंग, और पी से हमने किसको बोला है, प्रैक्टिस को बोला है, और आर हमारे लिए क्या है, रिवीजन है। आपको तीन अल्फाबेट को ध्यान रखना है, अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस एंड रिवीजन को। मैं आपको पूरे स्टेप्स बताऊंगी आपको अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस और रिवीजन का, किस तरह से आपको फॉलो करना है इसको। बस आप अपना कोड याद रखना UPR। बोलो स्टूडेंट UPR, अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। तो हम चेक करते हैं वन बाय वन, अंडरस्टैंडिंग से ही स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट देखो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कोड को हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट जो लेक्चर आपको टीचर जो आपको लेक्चर डिलीवर हो रहा है, आपकी क्लास में जो डिलीवर हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम ये होना चाहिए कि आप उसको पूरा फोकस वे में उसको अच्छे से आपकी लिसनिंग जो है वो 100% होनी चाहिए क्लास में, फर्स्ट ऑफ ऑल, तभी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट लर्निंग की वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो सबसे पहले जो आपका काम स्टार्ट होता है वो आपकी क्लास से ही स्टार्ट होता है। जब आप क्लास लेक्चर में बैठे हो उस टाइम आपका पूरा फोकस होना चाहिए उस हर एक वर्ड पे जो टीचर आपको बोल रहा है, आपको हर एक वर्ड का ध्यान होना चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट को उसको अच्छे से मेमोराइज करना है, उसको अच्छे से समझना है। मेमोराइज वर्ड ज्यादा सही नहीं है, उसको समझना है। अगर आप एक बार समझ लोगे तो मेमोरी में तो वो अपने आप ही क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, आपको उसके लिए कोई भी एफर्ट्स डालने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, जो आपको टीचर बताए उसको आप अच्छे से फॉलो करो। और अगर मैं इस बात को डिटेल में बताऊं तो कि किस तरह से फोकस करना है, जब भी आप लेक्चर में हो तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मेरी एडवाइस है आपके लिए, उसमें आपको एक रूल होना चाहिए। और वो रूल क्या है कि ना तो आपको किसी को डिस्टर्ब करना है और ना ही खुद किसी से डिस्टर्ब होना है। पास में कोई भी बैठा हो आपके पास, आपको ना तो उनको डिस्टर्ब करना है ना ही खुद उनसे डिस्टर्ब होना है, क्लियर? तो अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, फर्स्ट फोकस रखना है जो टीचर आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं उसके हर एक वर्ड, हर एक पॉइंट, हर एक लॉजिक को। सेकंड आपको क्या करना है, आपको ना तो किसी को डिस्टर्ब करना है ना ही खुद डिस्टर्ब होना है क्लास के किसी भी स्टूडेंट से, क्लियर? तो नेक्स्ट अपन आते हैं किस पे, प्रैक्टिस पे। तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्या एडवाइस है स्टूडेंट, आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी इंस्टीट्यूट में या आप सेल्फ लर्निंग भी कर रहे होंगे, आपने कोई डीएलपी भी ज्वाइन किया होगा, हो सकता है आपने डीएलपी ज्वाइन किया हो सकता है आप एक रेगुलर किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे होंगे,
कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एडवाइस क्या है आपको स्टूडेंट, सबसे पहले आप उस पर्टिकुलर जो आपकी कोचिंग है उसका स्टडी मटेरियल जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसी को ही सॉल्व करना है. आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपको हाई लेके जाना है तो फर्स्ट आपका काम यही होना चाहिए, आप जो भी आपको मटेरियल मिला हुआ है पर्टिकुलर कोचिंग से सबसे पहले आपको उसको सोल्व करना है. अगर आप एक लेवल अप लेके जाना चाहते हो अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टास्क क्या होना चाहिए, आप उस स्टडी मटेरियल को फॉलो करोगे, उसके हर एक क्वेश्चन को सोल्व करोगे. अब क्वेश्चन भी सोल्व करते टाइम मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ आपको कैसे सोल्व करना है. फॉर एग्जाम्पल आज आपने टारगेट बनाया कि आप आज 50 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हो, तो 50 क्वेश्चन आप सोल्व करने बैठे सबसे पहले तो आपको टाइम का ध्यान रखना है. ऐसे नहीं कि आप लेके बैठ के सुबह से शाम हो गई उस 50 क्वेश्चन को ही करे जा रहे हो, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. ये टाइम मैनेजमेंट तो आपको बिल्कुल सीखना पड़ेगा. जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो तो बिल्कुल टाइम का आपको फिक्स ध्यान रखना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, आपने एक्सरसाइज 1, 2, 3 फॉर एग्जाम्पल किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठा लो आपने, तो आपको एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 इस तरह से मिलेगी, चाहे वो फिटजी का मटेरियल हो चाहे वो एलएन का मटेरियल हो किसी भी एक्सवाईजेड इंस्टीट्यूट का मटेरियल हो. तो उसमें जो एक्सरसाइज 1 होती है कोई भी इंस्टीट्यूट की आप उठा के चेक करो तो लेवल 1 अच्छा लेवल होता है एक्सरसाइज 1 का, जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. हर एक एक्सरसाइज के लिए आप एक टाइम वैल्यू जो है वो फिक्स कर लो और उस टाइम वैल्यू में ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करो. और हर एक शीट को या एक्सरसाइज को करते टाइम आपको हमेशा ऐसे ही उसको सॉल्व करना है जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में हो. क्लियर, एग्जामिनेशन हॉल की तरह ही आपको उसको सॉल्व करना है. फिर आपने आंसर चेक करना है, फिर उसके बाद जो जो क्वेश्चन नहीं टिक हुए आपसे उनको आपने सर्किल मार्क करना है. क्लियर, पहले क्या करना है उसको सर्किल मार्क करना है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50 क्वेश्चन थे, आपने सॉल्व किए 10 क्वेश्चन पे आपने सर्किल मार्क कर लिया और रिमेनिंग जो 40 क्वेश्चन थे जो आपके सही हुए उस पे आपने टिक मार्क कर लिया. अब ये आपका हुआ फर्स्ट स्टेप, आपने ये सॉल्व किया. उसके बाद क्या करना है, ये जो सर्किल वाले 10 क्वेश्चन हैं जिनको आपने सर्किल किया हुआ है जो आपसे नहीं हुए एक बार, उसको फिर से आपको सोल्व करना है, एक बार और ट्राई करना है उसको सोल्व करने का. तो जैसे आप ये सोल्व करोगे तो क्या होगा, इस 10 में से अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे आपको जो आपसे सोल्व हो जाएंगे, जिन पे आप वापस से क्या करोगे उसी मतलब सर्किल के अंदर आप क्या कर दोगे, टिक मार करोगे, उस सर्किल के अंदर टिक मार करोगे. ये स्टेप हुआ. उसके बाद आप फिर से आपका सॉल्यूशन वाला पार्ट आपको फिर से उसको सॉल्व करना है, रिमेनिंग 7 क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना है. जैसे आप सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो आपसे सॉल्व हो ही जाएगा, बचे कितने क्वेश्चन, जितने भी बचे फॉर एग्जाम्पल. तो आपको क्या करना है, अब जो आपने ये मार्क किया जो बचे क्वेश्चन उसको आपको क्या करना है, अपने रिस्पेक्टिव टीचर से जिससे भी आप जो भी आपकी क्लासेस ले रहा है जो भी आपके डाउट्स ले रहा है उस टीचर से आपको डिस्कस करना है. मींस आपको 3 स्टेप 3 फिल्टर आपको यूज करने हैं. पहले आपको टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, उसके बाद सॉल्यूशन के बाद आपको जो नहीं हुए जो रॉन्ग हुए उस पे सर्किल मार्क करना है, फिर एक बार फिर से ट्राई करना है, फिर अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो आपने रिस्पेक्टिव टीचर्स के पास जाना है और रिस्पेक्टिव टीचर्स आपको बताएगा कि आपने कहां प्रॉब्लम आपको आ रही है, कौन से कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है. क्लियर. अब अगर मैं आपको सबसे पहले तो आपने इस तरह से क्या कर लिया, अपने कोई भी मटेरियल को कोई भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल को आपने सॉल्व कर लिया. अपना कॉन्फिडेंस लेवल किसी भी टॉपिक में इंक्रीज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमेशा स्टडी मटेरियल को जो आपको रिस्पेक्टिव कोचिंग से मिला हुआ है आप पहले उसी को ही सॉल्व करना है. क्लियर. उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको बुक सॉल्व करने का इंटरेस्ट हो, बिल्कुल आपको एक एटलीस्ट 1 बुक आपको सॉल्व करनी चाहिए. और फॉर एग्जांपल अगर मैं बुक आपको रिकमेंड करूं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई भी बुक अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप सॉल्व कौन सी करो, आप MS चौहान या हिमांशु पांडे बुक जो है वो सॉल्व करो. और उसको भी सॉल्व करते टाइम
आपको यही मेथड फॉलो करना है, थ्री फिल्टर मेथड यूज। तो बुक को सॉल्व करते टाइम भी आपको यही थ्री फिल्टर मेथड यूज करना है। सॉल्व करो, फिर नहीं है तो राउंड मार्क करो, देन सॉल्व करो, देन सॉल्व करो, फिर उसके बाद आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर से। एमएस चौहान बुक में भी कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिनका जो कॉन्सेप्ट है या लॉजिक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। मतलब जो जनरल आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा क्लास में जो बताया जाएगा उससे बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट मिलेगा। बट ऐसे क्वेश्चन से कभी भी घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन कुछ अलग से होते हैं, मतलब कुछ अलग से कॉन्सेप्ट से बने होते हैं। बट अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करो, अगर आप चेक करो IITs के, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है, मैं एडवाइस दे रही हूँ आपको कि आप कभी भी आपसे IIT आपको ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं पूछती जो बिल्कुल सी डिफरेंट हो। वो आपकी इंटेलिजेंसी को चेक करते हैं, आपकी मेमोराइजिंग कैपेसिटी को चेक नहीं किया जाता। एक इतना अच्छे लेवल का एग्जाम है तो वो कभी भी आपकी मेमोराइजिंग कैपेबिलिटी को चेक नहीं करेगा, वो ऑलवेज चेक करेगा कि आप कितना अंडरस्टैंडिंग है, आप कितने, आपका IQ कितना है, ये सब चेक किया जाता है एक अच्छे लेवल के एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के कभी भी आपको घबराना नहीं है। और एक दो चैप्टर ऐसे भी हैं एमएस चौहान में जो मैं आपको अगर बोलूं तो कार्बीन एंड नाइट्रिन, तो उसमें बहुत ही डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनका जनरली कोई लिंक नहीं है आपके एग्जाम के लिए, तो वो प्लीज आप सॉल्व नहीं करिए। चाहे वो स्टूडेंट IIT का हो, चाहे वो स्टूडेंट नीट का हो, दोनों के लिए बुक अवेलेबल है, एमएस चौहान सर की बुक अवेलेबल है, तो आप प्लीज उसको सॉल्व करिए। और मैं बोल सकती हूँ आपको कि आप कार्बीन और नाइट्रीन वाला जो चैप्टर है ना वो छोड़ सकते हो, उससे आपकी परफॉर्मेंस में कोई अफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो हमने अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट भी क्लियर कर लिया, मैंने आपको प्रैक्टिस में भी बता दिया कि आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। पहला बताया आपको अपना रिस्पेक्टिव स्टडी मटेरियल सॉल्व करना है, देन आपको एक बुक सॉल्व करनी है, फॉर एग्जांपल आपने एमएस रोहान, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको सॉल्व करते टाइम किस तरह से मेथड को अप्लाई करना है। क्लियर? अब अपन नेक्स्ट पोर्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पोर्ट है रिविजन, जिससे स्टूडेंट हमेशा पीछे भागते हैं। स्टूडेंट आपकी ये दोनों चीजें ना फेल हो जाएगी अगर आपने ये थर्ड स्टेप नहीं किया तो। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है ये, आपने अच्छे से समझ भी लिया, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली, बट अगर आपने रिवाइज नहीं किया ना स्टूडेंट, तो आपका सारी जो मेहनत है ना वो सारी बेकार हो जाएगी, वो पानी में गिरने जैसी हो जाएगी। तो आपको रिविजन पे हमेशा फोकस करना है। तो रिविजन के लिए भी मैं आपको दो पॉइंट बताऊंगी, जैसे मैंने यूपी में पॉइंट बताए थे, तो रिवीजन में क्या पॉइंट है, रिवीजन कैसे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी अभी थ्योरी क्लास चल रही है, फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक चल रहा है GOC चल रहा है या आइसोमेरिज्म चल रहा है, तो आपका आपकी हैबिट क्या होनी चाहिए। आप क्लास में तो वैसे नोट्स बना ही रहे हो, मेरे लेक्चर में भी आप नोट्स बनाया करो। और क्या करना है, जब भी आप घर पे जाते हो तो आपकी एक हैबिट बन जानी चाहिए, और वो हैबिट क्या है कि आप ऑर्गेनिक की फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक जितना भी आपको टीचर ने करवाया हुआ है पूरा उसको एक बार रीड करना है, पूरा उसको रीड करना है। अब आप ये मत सोचना कि मैम इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। स्टूडेंट स्टार्टिंग के डेज में, मतलब अगर मैं बोलूँ तो एटलीस्ट 5 डेज अगर मैं बात करूँ तो उसमें थोड़ी सी आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें आपको टाइम लगेगा, बट उसके बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो रिविजन करते टाइम हमेशा आपको फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज तक ही मूव करना है। क्लियर? फर्स्ट से लास्ट पेज तक आप उसको अच्छे से क्या करो, रिवाइज करो। क्लियर? रिवीजन का फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, आपने यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व किया था, प्रैक्टिस करी थी, आपने राउंड मार्क भी किया हुआ है, तो रिवीजन में आप ऐसा क्या करो, मैं आपको थोड़ा सा एडवाइस देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी टॉपिक हो गया, GOC हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, तो आप 15 डेज के गैप में आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना वो रिवीजन में आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन प्रैक्टिस को कैसे करना है, ये जो आपके क्वेश्चन थे जिसमें आपने राउंड और सर राउंड में टिक मार्क किया था, और जो आपके राउंड वाले क्वेश्चन बच गए थे उनको आपने वापस से एक बार क्या करना है,
सोल्व करना है. और जो भी आपको ना बहुत अच्छा क्वेश्चन लगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट उसमें यूज किया हुआ हो, एक तो क्वेश्चन भी ना ऐसे भी होते हैं इसमें एक दो कॉन्सेप्ट को यूज किया हुआ होता है, तो आप ना एक काम और भी कर सकते हो, तो आप उन क्वेश्चन पे ना स्टार मार्क भी कर सकते हो, उनपे स्टार मार्क कर सकते हो. तो जब आप रिवाइज करोगे ना तो इजी होगा आपको ये आइडेंटिफाई करना कि अच्छे क्वेश्चन कहाँ है और अच्छे क्वेश्चन जिनमें लॉजिक ज्यादा यूज हो रहा है, कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज हो रहा है, एक दो चैप्टर का मिक्स करके कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो वो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो मैंने अपना UPR कोड आपको बता दिया है, अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस एंड रिविजन, तीनों कोड में आपने मैंने आपको दो दो पॉइंट बताए हैं. पहला पॉइंट एक बार फिर से रिवाइज करो, क्या बताया था मैंने अंडरस्टैंडिंग में, क्या बताया था आपको थ्योरी क्लास में, फोकसली आपको फोकस रहके आपको स्टूडेंट टीचर की बात सुननी है, जो लॉजिक जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है उसको टू द पॉइंट उसको बहुत अच्छे से समझना है, सीखना है. और सेकेंड पॉइंट क्या बताया मैंने, कि क्लास में कभी भी ना तो खुद डिस्टर्ब होना है ना किसी और को डिस्टर्ब करना है. Yeah? और प्रैक्टिस में आपको क्या बताया, प्रैक्टिस में भी मैंने आपको दो पॉइंट बताए थे. फर्स्ट पॉइंट आपको अपने रिस्पेक्टिव कोचिंग का स्टडी मटेरियल फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सॉल्व करना है, और सेकंड आपको एक कोई भी अच्छी बुक जो है वो सॉल्व करनी है, और उसको सॉल्व करने के मैंने आपको 3 फिल्टर मेथड भी बता दिया कि किस तरह से आपको उसको सर्किल मार्क करना है, टिक मार्क करना है, स्टार मार्क करना है. क्लियर? ये दो पॉइंट किसमें थे, प्रैक्टिस में थे. और लास्ट में हमने आपको क्या बताया, आपको रिवीजन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था वो आपने कैसे बताया, आपको दो पॉइंट बताए रिवीजन में. एक तो आपको जब लेक्चर चल रहा हो आपको फर्स्ट से लास्ट पेज तक रिवाइज करना है स्टूडेंट, और उसके बाद आपको मैंने क्वेश्चन की रिवीजन करने के लिए बोला है, और क्वेश्चन वो उठाने हैं आपको जल्दी जो आपसे एक बार में नहीं हुए थे, जिनपे आपने स्टार या राउंड सर्किल मार्क किया हुआ है. तो स्टूडेंट क्लियर हुआ, अगर आप UPR कोड को याद रखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो स्टूडेंट कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली कर पाओगे उसको. और सबसे मेन पॉइंट होता है कॉन्फिडेंस रखो, जब भी आप कोई बुक सॉल्व करना स्टार्ट करो, जब भी कोई स्टडी मटेरियल आप सॉल्व करना स्टार्ट करो, खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आई कैन डू इट. क्लियर? तो कॉन्फिडेंस सबसे पहले बढ़ाओ, बिल्कुल डिमोरलाइज कभी नहीं होना है, कॉन्फिडेंट रहो कि हम सब कुछ कर सकते हैं, और अपनी ड्रीम IIT को और ड्रीम एम्स या कोई भी मेडिकल कॉलेज को हम वही होंगे नेक्स्ट ईयर. स्टूडेंट ऑल द बेस्ट, बाय बाय.